इस गाय को हमको बेचना ही नहीं है। मतलब कितना कीमत लग गया इस गाय का? कीमत तो बहुत लगा है, 1 करोड़ रुपया एक आदमी दे रहे थे, नहीं डॉक्टर से चेक कराए हैं। उसके बाद में सबसे तो बड़ा डॉक्टर है सांड, सांड प्रतिदिन इसके साथ में रहता है, अब दूसरा का हम तक जिएगी तब तक दूध देगी। ये डॉक्टर बोले हैं? डॉक्टर नहीं बोले हैं, हम बोल रहे हैं, हमारा आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। इस वक्त हम लोग सिवान जिला के हुलास छपरा गांव में मौजूद हूं। आप लोग ये अद्भुत चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। ये जो पेड़ है, ये पेड़ में जो इस साइड जो है पीपल का जो है पेड़ है, इसमें पत्ता थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये जो पेड़ का जो पत्ता है ये पीपल का पत्ता है, और ठीक इसके बगल में जो है आप लोग आइए हम दिखा रहे हैं बरगद का जो है पत्ता है, ये पकड़ी का पत्ता है। और पेड़ एक ही है लेकिन इसमें दो किस्म का जो है, एक पीपल का पत्ता है और एक जो है बरगद का पत्ता है। इसमें जो पूजा भी किया जाता है, और ठीक इसी के नीचे जो है अद्भुत चमत्कार हुआ है। आप लोग कामधेनु गाय का नाम सुने होंगे, ठीक है, कामधेनु गाय जो हम लोग के सामने है तो बिना बच्चे दिए हुए अपरूपी जो है दूध दे रही है। और ये जो गाय है अर्जुन पांडे जी का गाय है, और इनसे हम विशेष बात जानेंगे वो कैसे पता चला कि बिना बछड़े का जो है गाय दूध दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन पांडे। आप लोगों को कैसे पता चला कि बिना बछड़े के जो है गाय दूध दे रही है? कितना दिन से दूध दे रही है? ये दूध 8 महीने से दे रही है, जहाँ बैठती थी वहाँ दूध गिराती थी, खड़ा होती थी तब अपने आप दूध गिरता था, उसके बाद में हम दूध निकालना इसका शुरू कर दिए। तब आप लोगों को पता चला कि जो गाय है जो दूध दे रही है? दे रही है। डॉक्टर से हम चेक कराए कि भाई गाभिन वाभिन तो नहीं है, तो डॉक्टर साहब बोले कि गाभिन नहीं है, न होगी गाभिन, यानी कि इसे कामधेनु गाय कहा जाएगा। कहा जाएगा। इसका जो सिंग है, थोड़ा इधर जूम करके दिखाइए, इसका जो सिंग है ये शिवलिंग की तरह इसका सिंग भी, आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं सिंग से, आप लोगों को पता चल जाएगा। और कामधेनु गाय ये है, कितना लीटर दूध करती है? 10 से 15 लीटर के बीच में। 10 से 15 लीटर के बीच में। अच्छा, ये जो है बाछी जो है आप लोग खरीदे हैं कि आप लोग के घर पहले से था? घर की बाछी है। घर की बाछी है। कितना दिन से आप लोग मतलब ये 3 साल के हुई, 3 साल 1-2 महीने के हुई, मैंने कुंवार में, मैंने 3 साल पहले कुंवार के दिन सप्तमी के दिन हमारे घर में इसका जन्म हुआ था। इसका ये जो अभी कामधेनु जो गाय है इसका, इसका मैंने सप्तमी के दिन दशहरा में, जो कुंवार का दशहरा आता है ना, उसी में हुआ है इसका जन्म। मतलब इसकी माँ जो थी, इसकी माँ भी आप लोग घर पे है कि आप लोग बेच दिए? मैंने इसको बेच दिए है, बगल वाले गाँव में है, सिसई गाँव है बगल में, वहीं पे है। कितना दिन पहले उस गाय को बेचे थे आप लोग? मैंने 1 साल हो गया। 1 साल हो गया इसकी जो माँ थी, 1 साल पहले गाय को बेच दिया है लो, और उसी का जो है ये मतलब बाछी है, तो जिसे अब ये कामधेनु गाय हो गई है क्योंकि जो बिना बछड़े का जो है दूध दे रही है। थोड़ा इधर जूम करके दिखाइए। अच्छा, एक बात बताइए कि दूध जो कामधेनु गाय जो दूध करती है, तो इस दूध को आप लोग मतलब किस मतलब उपयोग में लाते हैं? पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाता है 1 लोटा, उसके बाद में 1 बाल्टी निकाला जाता है घर के लिए, और शाम को भी घर के लिए। कितना लीटर दूध करती है? मैंने 10 से 15 लीटर के बीच में। 10 से 15 लीटर दूध करती है, उसमें से जो है भोलेनाथ भोलेनाथ भगवान को जो है लोग चढ़ाते हैं, और उसमें जो अपने घर के लिए यूज करते हैं। अच्छा चाचा, ये दूध को आप लोग बेचते नहीं ना है? नहीं, दूध बेचा नहीं जाता है, प्रसादे में चला जाता है सब। अच्छा, आप लोग मतलब घर की यूज के लिए रखते हैं, उसके बाद में भोलेनाथ भगवान के जो प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद जो है इसे यही होता है, चाहे कोई आ गया प्रसाद उरसाद के लिए उनको दिया जाता है। और दिन में जय बार दूहना हो, माने पूजा पाठ का जरूरी है, जब दूध का जरूरी हो तब दूध इससे निकाल लिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको एक चीज़ और, कि मतलब एक कैसा मतलब कब तक ऐसे मतलब चलेगा, जिससे कि होता है ना कि अभी तो 8 महीना से मतलब दूध दे रही है बिना बछड़े का, ये मतलब कितना दिन तक ऐसे ही दूध देगी? जब तक जिएगी तब तक दूध देगी। ये डॉक्टर बोले हैं? डॉक्टर नहीं बोले हैं, हम बोल रहे हैं, हमारा आत्मविश्वास से बोल रहा है, जब तक जिएगी तब तक दूध देगी। अच्छा, इस गाय का कीमत लगा है कि नहीं? इस गाय को हमको बेचना ही नहीं है। मतलब कितना कीमत लग गया इस गाय का? कीमत तो बहुत लगा है, 1 करोड़ रुपया एक आदमी दे रहे थे, नहीं दिया। देखिए, अब आपसे बता दें कि इस जो गाय, इस गाय का कीमत 1 करोड़ अभी तक मिल गया है, लेकिन ये चाचा बोल रहे हैं कि इस गाय को हम बेचेंगे भी नहीं। बहुत अद्भुत चीज़ चमत्कारी हुआ है कि बिना बछड़े का जो ये गाय दूध दे रही है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो मतलब कामधेनु गाय है, इसका कीमत 1 करोड़ रुपया आपको मिल गया है, आप नहीं बेच रहे हैं, ठीक है ना? तो ये मतलब इसको जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक इसको रखिएगा? हाँ, जीवित रहेंगे, ये भी जीवित रहेगी तो रहेगी, या नहीं तो यहीं पे जो है सो इसका भी दाह संस्कार। अच्छा, गाय मारती भी है क्या? नहीं मारती नहीं है। मुड़ी से तो झांस रही है। गलत नियत से आइएगा तो मुड़ी झांस वही करेगी, प्रेम से जाइए जो है सो आपको एकदम पूरा प्यार।
इस गाय को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसमें जो है घुघरू पहनाया गया है, इसमें गर्म भी पहनाया गया, एकदम पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और हम चाचा से एक बात और जानने का प्रयास करेंगे कि चाचा इस गाय को देखने के लिए अभी तक कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से? आप कहाँ से आए हैं? हम तो बेतिया से हैं, बेतिया जिला से। हाँ, तो ये ऐसे ही बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस गाय को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग जो है गाय को माता नहीं मानते हैं, लेकिन इस गाय को जो है माता मानने की ज़रूरत है। साक्षात मतलब वरदान के रूप में जो है गाय इनकी चाचा के मतलब दीवार पर है। और हम चाचा से एक बात और जानेंगे कि जो सांड के संपर्क में गाय कभी आई है कि नहीं। सांड के साथ में प्रतिदिन 3 घंटा 4 घंटा रहती है, आधा घंटा के बाद में फिर सांड आएगा कहीं से घूम के। अच्छा, तो इस सांड के संपर्क में रहती है, लेकिन इस जो बच्चा का जहाँ तक मतलब बात है तो बच्चा इसका नहीं रहता है? नहीं 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 नहीं। आखिर क्यों? डॉक्टर से चेक कराए हैं कि नहीं? डॉक्टर से चेक कराए हैं, उसके बाद में सबसे तो बड़ा डॉक्टर है सांड। सांड प्रतिदिन इसके साथ में रहता है, और दूसरा का हम बोले। मैंने डॉक्टर बोला कि भाई ये गर्भ धारण नहीं करेगी, दूसरा कोई बंदा रहता तो वो बेच देता बाछिए में इसको। ऑटोमेटिक हमेशा दूध देती रहती है? हाँ, बराबर दूध। अगर अभी इस दूध का जरूरत अगर होगा तो अभी दूध मिल? हाँ, तो अभी अभी भी 2.5 लीटर 3 लीटर निकल जाएगा दूध इसका। मतलब ऑटोमेटिक हमेशा दूध देती रहती है। और विशेष बात चाचा से हम जाने, उम्मीद करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।